हम लोग इसके तीन पार्ट्स देख लेते हैं, सर्वाइकल पार्ट, थोरेसिक पार्ट और एब्डोमिनल पार्ट। उन तीनों पार्ट्स की अलग अलग ब्लड सप्लाई है, ठीक है। सर्वाइकल पार्ट को ऊपर से आ जाएगी, यहाँ पे हमारी सबक्लेवियन आर्टरी है, वहां से थायरो सर्वाइकल ट्रंकराइज कर रहे हैं, उससे निकलती है इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरी। इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरी से कुछ इजोफेजियल ब्रांचेज निकलती हैं जो कि इस सर्वाइकल पार्ट को ब्लड सप्लाई दे रही होती हैं। देन आ जाओ आप लोग इसके थोरेसिक पार्ट की तरफ, तो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है ये जो डिसेंडिंग एओर्टा है, ठीक है, थोरेसिक एओर्टा है, वहां से कुछ ब्रांचेस हैं, इसोफेजियल ब्रांचेस जो कि निकल रही हैं, और यहाँ पे ये जो लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी राइज कर रही होती है ना, यहाँ से एओर्टा से ये जो लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी राइज कर रही है, उससे भी कुछ इसोफेजियल ब्रांचेज जो है वो इस थोरेसिक पार्ट को सप्लाई कर रही हैं, ठीक है। थर्ड आ जाता है हमारा एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द इसोफेगस, तो वहां पर आप लोग देखो कि यहाँ पे आ जाती है हमारी एक लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी बेसिकली इस सिलिएक ट्रंक से राइज कर रही होती है, ठीक है, डायरेक्टली। इसकी तीन ब्रांचेज होती हैं सिलिक ट्रंक की, एक लेफ्ट गैस्ट्रिक आ जाती है, एक स्प्लेनिक आर्टरी आ जाती है और एक प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी आ जाती है। तो ये जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है ना, यहां से कुछ ब्रांचेज अराइज करती हैं इसोफेजियल, जो कि इस एब्डोमिनल पार्ट को दे रही होती है। और साथ में आपने याद रखना है ये जो इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी है, जो कि अगेन यहां से एओर्टा से, एब्डोमिनल एओर्टा से ही राइज कर रही है इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी, उसकी भी कुछ इसोफेजियल ब्रांचेज इस पार्ट को सप्लाई कर रही होती हैं, ब्लड सप्लाई दे रही होती हैं। देन आ जाओ आप लोग वीनस ड्रेनेज की तरफ, तो वीनस ड्रेनेज बहुत ही सिंपल सा है, अगेन उसी तरह से जो ये जो आ जाती है सेम एज इट इज, जैसे हम लोगों ने ब्लड सप्लाई देखी इसकी आर्टेरियल सप्लाई, उसी तरह से वीनस ड्रेनेज भी है। सर्वाइकल पार्ट की इन्फीरियर थायरॉयड वीन जो है वो जाके राइट ब्रेकियोस्फेलिक वीन के अंदर जो है वो ड्रेन कर जाएगी, ठीक है, अपनी करिस्पॉन्डिंग वीन से होता हुआ। देन यहाँ पे जो है जो हमारा थोरेसिक पार्ट आ जाता है उसको जो है वो एजाइगस या हेमियाजाइगस वीन्स की कुछ ट्राइब्यूटरीज जो है वो इसको ड्रेन करेंगी। और इसके अलावा जो नीचे आ जाता है एब्डोमिनल पार्ट, वहाँ पे आपने देखना है कि ये इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस बन रहा होता है, इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग जल्दी से देखो कि यहाँ पे इन्फीरियर फ्रेनिक वीन की कुछ ट्राइब्यूटरीज आ जाती हैं, और यहाँ पे ये जो लेफ्ट गैस्ट्रिक वीन है उसकी कुछ ट्राइब्यूटरीज आ जाती हैं, इसोफेजियल ट्राइब्यूटरीज आ जाती हैं जो कि इस पार्ट को ड्रेन कर रही होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये जो एब्डोमिनल वाला पार्ट है ना, यहाँ पे आ जाता है पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस, ठीक है। बेसिकली होता ये है कि यहाँ पे कुछ जो इसोफेजियल वीन्स आ जाती हैं वो ट्राइब्यूटरीज होती हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक वीन की, ठीक है। लेफ्ट गैस्ट्रिक वीन बेसिकली ट्राइब्यूटरी है किसकी, पोर्टल वीन की, ठीक है। तो इट मीन्स के और दूसरी कुछ जो ट्राइब्यूटरीज हैं यहाँ पे इसोफेजियल, वो जा रही होती हैं या तो लेफ्ट इन्फीरियर फ्रेनिक वीन के अंदर जो कि सिस्टेमिक वीन्स का हिस्सा है, ठीक है, या फिर वो ड्रेन कर जाती हैं हेमियाजाइगस या फिर एजाइगस वीन के अंदर ड्रेन कर जाती हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ गया, ये पोर्टल सिस्टम की आ गई और ये केवल सिस्टम की ट्राइब्यूटरीज आ गई, इन दोनों के दरमियान आ जाता है एनास्टोमोसिस। अब लेट्स से कभी भी लिवर सिरोसिस हो गया या कुछ भी हो गया जिसकी वजह से पोर्टल वीन की ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ठीक है, यहाँ से ब्लड फ्लो बैकली फ्लो करेगा और यहाँ पे इस ट्राइब्यूटरीज के अंदर आता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि अब ये जो सिस्टेमिक वाली वीन्स है उनके अंदर ब्लड फ्लो चला गया ना, रिवर्स में जा रहा है, ब्लड हो रहा है, फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो वीन्स हैं ये क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं इसोफेजियल वेरिसेस, ठीक है। जब ये डायलेट हो जाएंगी, अब ये वीन्स के अंदर प्रेशर, चूंकि बैक फ्लो पे प्रेशर इंक्रीज हो गया, ये वीन्स डायलेट होगी और डायलेट होकर इनकी वॉल हो जाएगी वीक, और समटाइम्स क्या होता है कि इनका रप्चर होने से क्या होती है, हेमेटेमिसिस होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लड इन द वॉमिटिंग, ठीक है। इस वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट ऐसी क्यों है कि पोर्टोकेवल जो एनास्टोमोसिस या साइट्स होती हैं उनके यही सिग्निफिकेंस है कि जब कभी भी पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से बैक फ्लो होता है तो ये जो जहां जहां पर भी पोर्टल सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस होगी ना, वहां पे वेन्स डायलेट कर जाएंगी, वेरिसेस वगैरह हो जाएगा, जैसे कि हमारी जो अम्बिलिकल वाला पॉइंट है वहां पे कैपिट मेडुसा की हमें कंडीशन नजर आती है, इसके अलावा जो रेक्टम वाला पॉइंट है वहां पे हमें हेमोराइड्स नजर आते हैं, यहाँ पर ये वाला जो लोअर इसोफेजियल वाला पार्ट है यहाँ पे इसोफेजियल वेरिसेस और देन हेमेटमेसिस का हमें कंडीशन नजर आती है।